राजधानी के एक खमतराई थाना क्षेत्र में मामूली विवाद पर हत्या का मामला सामने आया। मृतक का स्वास्थ्य खराब होने पर भांजी के यहाँ आया हुआ था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी से विवाद हुआ और पड़ोसी ईश्वर साहू ने डंडे से पीटा, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। तो खमतराई थाने में बजरंग चौक राबा भाटा निवासी ज्योति साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी ने बताया कि ग्राम निमोरा में रहने वाले दयाराम साहू रिश्ते में मामा लगते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें अपने साथ घर लेकर आए थे। पड़ोस में रहने वाले ईश्वर साहू कभी कभी घर आता था। सोमवार को वह घर आया और मामा के पास बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी बीच उनका विवाद हुआ और ईश्वर ने डंडे से मारपीट करने लगा। मारपीट करने से मामा दयाराम साहू के सिर, नाक और शरीर के अन्य जगहों पर चोटें आईं। इसके बाद ईश्वर वहां से भाग गया। पीड़ित को तत्कालिक स्वाट एम्बुलेंस के माध्यम से मेकहारा अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर द्वारा जांच के बाद दयाराम साहू को पुलिस ने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना खमतराई क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई है, जिसको धारा 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। इसमें मृतक का नाम दयाराम साहू है, जो आरोपी है ईश्वर साहू उसी का परिचित है। कल दोपहर में दोनों साथ में बैठकर दारू पी रहे थे, जिस पर लेकर किसी बात को विवाद हो गया, तो दयाराम साहू ने जो है ईश्वर साहू की उसमें हत्या कर दी। इस पर ईश्वर साहू को अरेस्ट किया गया है और उस पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।